एक बार प्रभुपाद जी जो है मुंबई में जुहू समुद्र के किनारे सुबह के समय में अपने बहुत सारे विदेशी शिष्यों के साथ सुबह में टहल रहे थे, तो उस समय एक पत्रकार आया और प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी आप हमको कोई चमत्कार दिखा सकते हैं क्या, क्योंकि कलयुग के लोग जो है चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, आप कोई चमत्कार दिखा सकते हैं क्या। उस समय प्रभुपाद जी ने अपने सारे विदेशी शिष्यों की ओर अंगुली दिखाते हुए उस पत्रकार से कहा कि देखो ये जितने भी अंग्रेज है ना, ये सारे अंग्रेज जो है एक दिन भी गाय का मांस खाए बिना नहीं रह सकते, लेकिन आज जो है ये चॉकलेट खाना भी छोड़ दिए, क्या ये चमत्कार नहीं है। जो अंग्रेज जो है हमारे भारत को गुलाम बनाने आए थे, वही अंग्रेज जो है आज एक भारतीय मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे घूम रहे हैं, क्या ये चमत्कार नहीं है। आपको दिखता नहीं है कि ये जो विदेशी लोग दिन रात बियर पी करके बियर बार में नाचा करते थे, आज यही बियर पीने वाले शराब पीने वाले आज चाय तक भी नहीं पीते हैं, और जो बियर पी करके बियर बार में नाचा करते थे आज वे लोग हरिनाम रूपी अमृत पी करके राधा कृष्ण के मंदिर में नाचते हैं, क्या ये चमत्कार नहीं है। उस समय पत्रकार ने पूछा कि स्वामी जी आपने इन विदेशियों के भीतर ऐसा परिवर्तन कैसे लाया, किसके बल पर लाया। उस समय प्रभुपाद जी ने कहा देखो मुझ में तो कोई बल नहीं है, मैंने इस भगवत गीता के बल पर इन विदेशियों के भीतर ऐसा परिवर्तन लाया है। यह है गीता की महिमा।